ऐसे आदमी को वोट दे जो नमाजी हो, परहेजगार हो, मुत्तकी हो, जो दयानतदार हो, जो कौम की अमानत को अमानत समझ के रखता हो और वक्त आने पर कौम के लिए उठ खड़ा हो। आपने अपने बीच 25 साल से ऐसे आदमी को वोट दिया है जो विकास के नाम पर नहीं मजहब के नाम पर वोट मांगता था। विकास के नाम पे तो उसकी जमात के जिले से वोट मांगा है, उसने तो कौम परस्ती के नाम पे आपसे वोट लिया है और आपकी मासूमियत की इतनी हद हो गई कि आपने कौम के नाम पे ऐसे आदमी को मुंतखब किया जो आपके लिए काम कर सकता था सोचकर, लेकिन उसके दिल में कभी रहम नहीं आया आपके लिए या मिल्लत की नौजवान लड़कियों के लिए। हजरत संभल अलहमदुल्ला जब से हमने संभल में कदम रखा एक एक बुजुर्ग से हमारी मुलाकात हुई, देहातों में भी हम गए जहां तक हमको मालूम हुआ संभल उत्तर प्रदेश का बुनियादी शहर है। उस दौरान जमाने की छोटी सी जमात मुलायम सिंह ने सियासत में कदम रखा संभल के मुसलमानों के वहां से। आपने आज उसे कई बार मुख्यमंत्री बनाया, बहुत बड़ा हिंदुस्तान का लीडर बनाया, इतनी इज्जत दी वो अपने आप को सिर्फ आपको खुश करने के लिए दिखावे के लिए मौलाना मुलायम बन गए। लेकिन अगर कभी आप में भी उसको मुसलमानों का ख्याल नहीं आया, हमें अच्छा याद है हम हैदराबाद में रखते हैं सर बैरिस्टर सोती ने वैसी को जब मालूम पड़ा किसी हजरत ने मैसेज किया बोले सदर मोहतरम मुजफ्फरनगर चल रहा है, हमारी माँ बहनों की इज्जत में आप लूट रही है। हजरत हमारा सदर और आपका सदर सारे हिंदुस्तान में सबसे जो एक तहजुद गुजार है, दीन किसी के दिखाने के लिए नहीं होता ना इबादत किसी के दिखाने के लिए होती है। लेकिन अगर अल्लाह ताला किसी को बादशाह देता है तो उसके अंदर ऐसी खुदादार सलाहियत होती है जो अपने कौम में पसमानदा को फरमा सकता है और आपके मसाइल को हल करना एक लीडर का काम होता है। लीडर नहीं सियासी रहनुमा है, रहनुमा लीडर तो सिर्फ आपके मुकाम को देख सकता है। लेकिन आपने जिसे लीडर समझकर 25 साल हुकूमत सौंपी उसने संभल के लिए कुछ नहीं किया। हजरत मैं अपने आखिरी बात मरहले पर आ रहा हूं। हैदराबाद शहर में अलहमदुल्ला सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब की विधवा सारी दुनिया लोगों की वापिस है जो डॉक्टर रफीकुरहमान दर्द से साथी रहे जमाने से, उनके बाद नसीबुल्लत ने अपना वक्त संभाला, कई बार में मुंतखब हुए, पार्लियामेंट गए, कई सवालों को उठाया। लेकिन हालिया दूसरे कई वाकया जो मुसलमानों को दहशतगर्दी के नाम पर पकड़ा जा रहा था, कोई ऐसा हुकूमत या पुलिस के पास केस नहीं जो अपनी तरफ से सौंप दे। अगर झूठे मुकदमा लगाए जाते हैं तो आया वकीलों को रखकर वो खुद केस करके मुसलमान बच्चों की रिहाई अमल में रखते हैं हैदराबाद में। ऐसे ही आपके शहर संभल में असदुद्दीन ओवैसी साहब सरकारी कहते तो उनका एक बाबा जो संभल के उलमा मशायख इतने पसंद किए उनकी बात को कि उन्होंने पूरे आम ऐलान कर दिया कि हम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में वोट देंगे और हम अपने मानने वाले फॉलोअर्स और सारे आम को यह ऐलान करते हैं। हजरत मौलाना नफीस अख्तर साहब काबिले मुबारकबाद है जिन्होंने खुले राम ऐलान
कि यहां पर अगर हमें उत्तर प्रदेश में वोट देने आते तो सिर्फ हमारे वोट के अंतर डॉक्टर बर्फ संभल में डॉक्टर बर्फ साहब है और उत्तर प्रदेश में कई जगह से हमारे उम्मीदवार खड़े हैं। जिला 36 सीटों पर हमने हमारे उम्मीदवार को खड़ा किया है। इंशाल्लाह आपसे विवाद होगी, आप तमाम से गुजारिश की जाती है अपना खुशी और 15 तारीख की सुबह जैसे मैंने कहा आपसे आज अपनी जगह सवाल के तो बारिश होंगे इंशाल्लाह, लेकिन फॉर्म के लिए एक काम करते बस 15 तारीख के दिन सुबह उठे अपने घर वालों को ले मोहल्ले वालों को ले पहले अपना वोट डाले अपना तस्वीर का शिकार ना हो दूसरों को ना देखे अपना वोट डालने के बाद महल वालों को तस्वीर करे अपने बुजुर्गों लोगों को ले जाए। अगर कोई बुजुर्ग साहब पोलिंग बूथ पर नहीं जा सकते तो थोड़ी मदद करे नौजवान उद्यम छुट्टी करे कारोबार जरूरी नहीं। और एक सियासी फायदा आपको बता देता हूँ, आप अगर एक दिन वोट देंगे तो आपको सुबह से शाम तक की मशक्कत होगी, लेकिन हम समझते हैं कि लीडर बन जाना बहुत आसान है। जब फॉर्म सुबह से शाम तक मेहनत करके वोट डालती है तो विधायक का काम आपको अंदाजा है 5 साल तक आपके बीच दिन रात मेहनत करनी पड़ती है उसको। और विधायक ऐसा नमाजी दादा का होता है जो एक परहेजगार डॉक्टर साहब है उनका पोता है जिया रहमान, उसे भी अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम से वाकिफ है, फॉर्म की अमानत पढ़ाना जानता है, दयानतदार है, वफादार है, अपने बड़ों की तालीम जानता है, तो अपने फॉर्म की कितनी तालीम नहीं करेगा अंदाजा लगाइए। बस आपसे गुजारिश की जाती है जिया रहमान की अपने अपने वोट का इस्तेमाल करें। वाकिफ अल्हम्दुलिल्लाह।